दर्श न्यूज पर बुलेट न्यूज फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत, मैं प्रीति दयाल। बीपीएससी ने दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में मध्य विद्यालय के लिए महिला अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण मिलेगा। बता दें कि मध्य विद्यालय में 31,982 पद हैं। महिलाओं के लिए 15,991 पद सुरक्षित होगा। हर वर्ग की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इसमें बीएड और डीएलएड दोनों को मौका दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सातवीं बार बिहार आ रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर में बीजेपी की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया है। अमित शाह इस रैली को संबोधित करने वाले हैं। वहीं जिला प्रशासन गृह मंत्री की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। आज की यह रैली राजनीतिक मायने में खास मानी जा रही है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 6 से 10 नवंबर तक चलेगा। इससे पहले राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार से बड़ी मांग कर दी है। सुशील मोदी ने कहा कि विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में सरकार को जातीय सर्वे की पंचायतवार रिपोर्ट और इस सर्वे के आधार पर तैयार होने वाले विकास मॉडल का प्रारूप सदन में रखना चाहिए। इधर बिहार के नालंदा खुला विश्वविद्यालय में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एक्सलेंस इन मैथमेटिक्स साइंसेज के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल ने शिरकत किया। इस दौरान राज्यपाल ने बच्चों के नाम स्कूल से काटे जाने को लेकर अधिकारियों की क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्यवाही बच्चों पर नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। वही कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की ओर से आयोजित संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीयन प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 10 नवंबर तक क्लैट यूजी व पीजी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 3 नवंबर निर्धारित की गई थी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां देवघर पुराना सदर अस्पताल परिसर को बाबा धाम आने वाले श्रद्धालुओं को चिकित्सा सुविधा व सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के इलाज के लिए 100 बेड का तीर्थयात्री अस्पताल ट्रामा सेंटर बनाने की योजना तैयार की गई है। सिविल सर्जन ने जिला योजना समिति के अध्यक्ष सह उपायुक्त को भेजे गए प्रस्ताव में कार्यों की सूची और ग्राउंड फ्लोर व फर्स्ट फ्लोर के साथ अन्य निर्माण का नक्शा बनाकर सौंपा है। झारखंड की राजधानी रांची में होटवार जेल में ईडी की छापेमारी की गई। छापेमारी में ईडी को कई संदिग्ध सामग्री मिली। हालांकि ईडी के आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। होटवार जेल में ईडी की छापेमारी पर भाजपा और झामुमो के बीच सियासी वार पलटवार जारी है। भाजपा ने झामुमो पर आरोप लगाया है, वहीं झामुमो ने ईडी से छापेमारी की जानकारी मांगी है। नेपाल में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की जानकारी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 3.6 बताई गई है। हालांकि नेपाल में आए भूकंप का असर भारत में महसूस नहीं किया गया। अफगानिस्तान के फैजाबाद में भी देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि अफगानिस्तान में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया था। अब खबर खेल जगत की। वर्ल्ड कप 2023 में आज टीम इंडिया की भिड़ंत दक्षिण अफ्रीका से होगी। यह मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन्स पर खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में इस मैदान पर अब तक 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं और दोनों ही मैचों में गेंदबाज हावी रहे हैं। फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को लगभग बराबर मदद मिली है। आज के मैच में भी पिच का मिजाज कुछ इसी तरह रहने की उम्मीद है। वहीं भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज और रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली का आज जन्मदिन है। वे 35 साल के हो गए हैं। विराट ने अपने करियर के दौरान कई मैच विनिंग पारियां खेली है। इसके साथ साथ कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। वहीं आज उनके पास जन्मदिन पर खास मौका है इतिहास रचने का।
अब खबर मनोरंजन जगत की। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा अपने सीजन 11 के साथ टीवी पर धूम मचाने आ रहा है। झलक दिखला जा 11 कलर्स पर अपना 10वां सीजन लॉन्च करने के बाद सोनी एंटरटेनमेंट में लौट आया है। इस सीजन को ऋतिक धनजानी और गौहर खान एक साथ होस्ट करेंगे। झलक दिखला जा का 11वां सीजन दिलचस्प है। इस डांस रियलिटी शो से तनीषा मुखर्जी लंबे टाइम के बाद टीवी स्क्रीन पर वापसी करते दिखेंगी। अब खबर मौसम की। पछुआ के प्रभाव से राज्य में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में आंशिक गिरावट आने लगी है। ऐसे में सुबह शाम ठंड बढ़ सकती है। पिछले 2-3 दिन पूर्वा प्रभावी रहने और बादलों की आवाजाही से तापमान में राजधानी पटना सहित राज्य भर में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। हालांकि दिवाली के बाद ही पारे में गिरावट के आसार है। तो फिलहाल के लिए फटाफट न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ।